हेलो दोस्तों भाई, राम राम, जय श्री राम भाई। आज हम करने वाले हैं साउथ इंडिया की सबसे फेमस डिश इडली का कंपेयर वीडियो। और आज हमने दो जगह से इडली मंगाई है। एक है हमारा जबलपुर का राजा यानी बमचक, जहाँ पे इडली फेमस है, और इडली किया डोसा, मतलब साउथ इंडियन फूड वहाँ पे हमारे जबलपुर में सबसे ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे आप कभी भी जाएंगे बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। और दूसरा है हमारा इंडियन कॉफ़ी हाउस, जो कि पूरे भारतवर्ष में साउथ इंडियन फूड सबसे अच्छा परोसता है। तो देखते हैं आज कौन सा जीतता है, आप बताइएगा आपको कौन सा अच्छा लगा। और देखिए, ये है हमारा बमचक, जहाँ से बमचक से हमने मंगाया है, और ये है हमारा इंडियन कॉफ़ी हाउस। अब देखते हैं इसमें से कैसे कैसे और क्या क्या निकलता है। देखिए, ये सांभर का पोर्शन निकला है पहला, और दूसरा है नारियल चटनी, और तीसरा है हमारा इडली। अब ऐसे दिखाते, खोल के एक साथ दिखाएंगे हम कैसा है इसका लुक। दूसरा इंडियन कॉफ़ी हाउस में थोड़ी कटलरी से हमको दी हैं, जैसे जिसमें कप है, और ये है इनकी इडली का, ये नारियल चटनी, और ये इसमें सांभर। अब देखिए फ़र्क पड़ जाता है कि ये लोकल फूड है तो इनकी पैकेजिंग, और ये अपना एक ब्रांड है इंडियन कॉफ़ी हाउस, उसकी पैकेजिंग, और ये हमको स्पून मिला है। दूसरा बिल, लोकल से हमको बिल नहीं मिला है, ये हमारा 78 रुपीज़ का है जो हमारा इंडियन कॉफ़ी हाउस है, और जो बमचक है ये हमारा 80 रुपये का है। अब देखते हैं, स्वाद के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी कि पैसा वसूल है या नहीं है, और बताते हैं उन दोनों में से कौन सा जीतता है। अब इनको खोल के इनका लुक दिखाते हैं आपको। तो भाई, सबसे पहले हम जो इनकी चटनी है यानी कि नारियल चटनी, उसका हम स्वाद देखते हैं कैसा है। थोड़ा सा नमक ज़्यादा लग रहा है, और अब देखते हैं ये एकदम जो ठंडी घर में जो नारियल चटनी बनाते हैं सेम वैसा स्वाद आ रहा है। हल्का सा स्वीटनेस है इसके अंदर जो नारियल में होती है। ये इसमें नमक है और थोड़ा सा तीखापन है चटनी में। आई थिंक काली मिर्च का स्वाद आ रहा है इसमें। और सांभर को भी एक बार देख लेते हैं, गरम है। सांभर अच्छा है, हींग का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है इसमें सांभर के अंदर से, एक कहें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं इसके आगे टिकता है कि नहीं टिकता। सही है, आप देखते हैं उसको सारे, आप देखते हैं इसको एक साथ बाइट बना के खाने के, आप बाइट बना के खा के देखते हैं। पहले थोड़ा सा छोड़ लेता हूँ, इस पर थोड़ी डालते चटनी, मतलब एक नंबर, तीनों चीज़ों का मिक्सचर खा रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब अलग ही टेस्ट है एकदम। इससे पता चलता है कि क्यों फेमस है बमचक जबलपुर में। आप करते हैं सेम इसका, इसको थोड़ी सी बाइट तोड़ते हैं और इसकी नारियल चटनी डालते हैं। सेम, कुछ ना कुछ मिस है, कुछ मिसिंग सा लग रहा है। एक और देखता हूँ इसका थोड़ा सा,
क्या है, मेरा टेस्ट जो है मुझे क्या थोड़ा सा हल्का सा तीखा पसंद है, और इनका जो चटनी है, जो इनकी चटनी है और इनका सांभर है उसमें बहुत माइल्ड तीखापन है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और मैं कहते हैं 19-20 स्वाद है दोनों का, बस इसमें हल्का सा तीखापन है। तो यदि मैं आज ईमानदारी से रिव्यू करूँगा तो मेरे लिए अपने लोकल जो है बमचक जबलपुर का फेमस, आज का जो विनर है ये बमचक है। बाकी मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, पर जो मुझे स्वाद पसंद है उसके हिसाब से ये उस पर खरा नहीं उतर रहा है। तो भाई कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और मेरा चैनल है टेस्ट ऑफ वेरियस फूड उसको आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर भी मेरा पेज है टेस्ट ऑफ वेरियस फूड उसको आप फॉलो करें, और अपना प्यार दें भाई, शुरुआत कर रहे हैं आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा नीड है, जैसे आप दूसरों को फेमस करते हो वैसे ही हमें करें। तो सभी को राम राम, जय श्री राम।